गाइस वेलकम बैक टू बीकॉम ट्यूटोरियल केमिस्ट्री में आज फिर से आप लोग के लिए लेके आए हैं एल्काइल हैलाइड का जो नेक्स्ट पार्ट है। और आज का जो पार्ट है वो खतरनाक इंपॉर्टेंट है, और वैसे हर पार्ट हम बनाते हैं खतरनाक, आपका बचा देंगे नाक। जल्दी से आइए और मेहनत कीजिए हमारे साथ। तो कल हम लोगों ने कंप्लीट किया कि एल्काइल हैलाइड का हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करेंगे, और उम्मीद है कि वो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा ही होगा। आइए आज का हम लोग रिएक्शन लेंगे, नंबर वन एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में ध्यान रखिएगा कि इसमें हमारा इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन भी, क्या कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, थोड़ा सा एलिमिनेशन थोड़ा ध्यान रखना है। कभी भी इस रिएक्शन का नाम पूछे तो बीटा एलिमिनेशन, जैसे कल हम लोगों ने छोड़ा था कि वेन लिख देते हैं यहाँ पे वेन एल्काइल हैलाइड, ध्यान देंगे व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। उम्मीद है कि एक्वस KOH के बारे में आप लोगों को पता कल चल चुका होगा। अब नहीं वीडियो देखे पहले उस वीडियो को देखिए फिर इस वीडियो में आइएगा, क्योंकि फिर से बोल रहे हैं जो शुरू से जो अच्छे से सब वीडियो को देखेगा उसी को ये आने वाला वीडियो भी अच्छा लग पाएगा। तो यहाँ पे पहले लिए थे एक्वस KOH, यहाँ पे ले रहे हैं अल्कोहलिक KOH, तो क्या बन जाएगा, तो बनेगा वही जो आप लोग सोच रहे होंगे, क्या बनेगा एल्कीन बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे एल्कीन, खतरनाक इंपॉर्टेंट होने वाला है। एल्कीन इज फॉर्म्ड, ध्यान देंगे एकदम एल्कीन इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे हम इसको लेंगे, कैसे बताने वाले हैं, अभी ध्यान दीजिएगा, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जब तक आप लोग को बताएंगे कोई डर की एकदम जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डर से डर खत्म हो जाएगा एकदम। तो क्या हो जाएगा, एक ले रहे हैं एग्जांपल समझने के लिए आर सी एच टू और यहां पे ले लेते हैं क्या है, ये एल्काइल हैलाइड है, ये क्या है एल्काइल हैलाइड है। अब आगे में प्लस एल्कोहलिक KOH, ध्यान देंगे एल्कोहलिक KOH, और आगे में जैसे ही हम लोग इसको बनाते हैं तो डरना कुछ नहीं, ये कहलाता अल्फा कार्बन है जी, कहलाता है ये कहलाता है बीटा कार्बन, अभी फिलहाल ले रहे हैं। अब उतना नहीं जाना छोड़ दीजिए उतना एकदम आपको बेहतर से बेहतर कर देंगे। देखिए ये ध्यान दीजिए, ये क्या होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस, अभी प्लस माइनस, ये क्या होता है भाई माइनस, इसका मतलब प्लस के साथ पहले KH तो बने कोई रुक नहीं सकेगा, और OH हमेशा H के साथ आएगा, यहां से ध्यान देंगे यहां से H हट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस H2O, दिख रहा है देखो तो सूर्य दिख रहा है, इधर दिख रहा है तो H2O। अब जैसे हो गया तो ध्यान देंगे क्या बच गया, यहाँ पे ध्यान देंगे R बचा कि नहीं, यहाँ पे देख लिया R, फिर यहां से एक H हट गया तो क्या बचा CH, बोलिए हाँ, और यहां से X खत्म तो यहाँ पे क्या हो गया CH2। लेकिन ध्यान देंगे एक बॉन्ड इधर से भी निकला है, एक बॉन्ड इधर से भी निकला, दैट मीन्स एक बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा बीच में, इसी को क्या कहेंगे एल्कीन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे एल्कीन कहेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसको बनाइएगा एक बार, एग्जांपल लेकर के समझाते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है एकदम, घबराता वही है जो नहाता नहीं है, घबराता वही है जो नहाता नहीं है, जो रोज नहाता है वो मस्त होता है, है? तो इसका मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको एकदम समझ में आएगा। CH3CH2 और यहाँ पे Cl और प्लस एल्कोहलिक KOH, देखिए कैसे आप बना पाएंगे, आपका सबसे पहला KCl निकल जाएगा, निकलेगा ना एकदम निकलेगा, प्लस H2O निकलेगा ना, हाँ। तो देखिए यहां से ये K और Cl खत्म, ये प्लस था और ये माइनस था, निकल गया यहां से OH माइनस है, और यहां के बगल ये वाला से निकला है Cl, तो इसका मतलब यहां से निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से H प्लस निकलेगा, और तो H2O निकल गया, बचा क्या CH2, फिर बचा क्या सिंगल बॉन्ड, फिर बचा क्या CH2, लेकिन एक बॉन्ड इधर से निकला, एक बॉन्ड इधर से निकला, तो यहां पे डबल बॉन्ड यानी इथिलीन बन गया, क्या बन गया प्यारे बच्चों इथिलीन बन गया। अब एक तो आप खुद प्रयास कीजिए तो तब हम मानेंगे कि आप सही समझ पाए हैं, तब लगेगा कि आप सही समझ पाए हैं। आपको दूसरा नंबर हम ले एग्जांपल दे रहे हैं CH3CH2CH2Cl प्लस एल्कोहलिक KOH,
आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, दो नंबर लिख करके इस तरह पूरा क्वेश्चन लिख करके आज का पूरा आंसर बताइएगा मुझे कमेंट में। आइए अब इतना में तो दिक्कत नहीं हुआ, अब एक्स का डेविएशन मतलब एक्स जो है ये फर्स्ट लाइन पे था, यहां पे था तो आपको दिक्कत नहीं हुआ। अब एक्स जो है सेकेंड नंबर कार्बन पे भी जा सकता है, थर्ड नंबर कार्बन पे जा सकता है, तब आप क्या होगा अभी आपको बताते हैं। अब अगर हम तीसरा ले लेते हैं एग्जांपल, आप लोग फंस जाइएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच, और यहां पे ले लेते हैं बी आर, और यहां पे ले लेते हैं सी एच थ्री और प्लस एल्कोहलिक के ओएच ले लेंगे तो आप एकदम फंसेंगे, आपसे नहीं बनेगा, आपको दावा कि आप गलत बना देंगे, और अगर गलती से बन भी गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पे क्या हो रहा है देख रहे हैं, इस बी आर को ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए, इसको अच्छा से ध्यान देंगे, एकदम ध्यान देंगे हम अच्छा से ध्यान देंगे। अब इधर देखिए एक ठो कार्बन है, इधर देखिए इधर 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 देखिए दो ठो कार्बन है। अब जैसे ही एक कार्बन दो कार्बन अलग अलग सिमेट्रिकल कार्बन नहीं रहे, ध्यान देंगे जब सिमेट्रिकल कार्बन नहीं रहे तो आपको क्या करना है, नियम है सेठ जेफ रूल, क्या नाम नियम है सेठ जेफ रूल, ध्यान देंगे फिर से नियम का नाम है सेठ जेफ रूल। तो सेठ जेफ रूल कहता है कि जिधर ज्यादा एल्काइल ग्रुप रहेगा, जिधर ज्यादा कार्बन एटम रहेगा, डबल बॉन्ड का निर्माण उसी तरफ से होगा, डबल बॉन्ड का निर्माण उसी तरफ से होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा CH3, और फिर हो जाएगा अब यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड इसी के बीच में लगेगा तो CH हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा CH3। ये कितना बनेगा 81% प्लस, अगर यहाँ पे इधर बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा CH3, फिर हो जाएगा CH2, फिर हो जाएगा CH, और फिर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ध्यान देंगे ये कितना बनेगा 19%। तो इसलिए ये किसके नियम के अनुसार आया, सेठ जेफ रूल। सेठ जेफ रूल फिर से बोल रहे हैं कि जिधर एल्काइल ग्रुप ज्यादा रहेगा डबल बॉन्ड उसी जगह उधर तरफ ही लगेगा, यानी कैसे लगाएंगे वो भी बता देते हैं। यहाँ ब्रोमीन है, या तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा या तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, फिर से बोल रहे हैं या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, और ये डबल बॉन्ड कैसे लगाएंगे वो देखेंगे कि जिधर ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स है। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे आप इसको, और समझ गए होंगे तो एक तो आप बनाइए, यहाँ पे हम चार नंबर लिख दे रहे हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे बी आर, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3, अब प्लस एल्कोहलिक QH। आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि 81% कौन वाला बनेगा, आप उसको बना करके नीचे में हमको दिखाइए, हम तब समझेंगे कि आप सही समझते हैं। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को हेल्प ही नहीं करेगा बल्कि आपको आगे बढ़ने में भी आपको मदद करेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट खतरनाक इंपॉर्टेंट है। तो पहला तरह का समझिए कि जब इजी रहेगा तो आप इजी वे में बना सकेंगे, जब टफ भी रहेगा तब भी आप इजी में बना पाएंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि विक्रम ट्यूटोरियल का लगातार प्रयास है कि हम बेहतर से आपको बेहतरीन में बना दें। और हमारा यही लक्ष्य रहा हमेशा शुरू से कि जो डरता है साइंस से, जो डरता है साइंस से उसको कर देंगे एकदम मस्त, क्योंकि हमेशा मेरा आदत है कि हम बनाते हैं जबरदस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो है एलिमिनेशन रिएक्शन, सब समझ गए होंगे, इसमें बीटा के जगह से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है इसलिए इसका नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। क्या नाम होता है इसका, बीटा एलिमिनेट हो गया, कौन एलिमिनेट हो गया फिर ध्यान देंगे, कौन एलिमिनेट हो गया, कौन हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, ब्रोमीन एलिमिनेट हो गया, और वहां पे आया कौन, डबल बॉन्ड आया। और डबल बॉन्ड कैसे हुआ वो आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके उसको समझिए, आप उसके बाद खुद नोट कीजिए, मजा आ जाएगा आपको एकदम। आइए नेक्स्ट में एलिमिनेशन के बाद जो आज अभी बताने वाले वो भी खतरनाक इंपॉर्टेंट आज होने वाला है, हर एक क्वेश्चन जो हम आप देखेंगे वो इसी से आएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, तीसरा नंबर में आ गए जिसका नाम था रिएक्शन विथ मेटल्स, क्या हो जाएगा रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल या रिएक्शंस विथ मेटल भी हम लिख सकते हैं। मेटल कौन सा, तो लिखेंगे मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम वाला हम लोग लेंगे, तो लिखेंगे उसी तरह स्टेटमेंट, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ, ध्यान देंगे इज ट्रीटेड विथ, एकदम अच्छा से लिखेंगे ट्रीटेड विथ किसके साथ, मैग्नीशियम, इन प्रेजेंस ऑफ किसका, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर,
ध्यान देंगे इंपर्जेंस ऑफ ड्राइथर तो क्या बनेगा देन एल्काइल एल्काइल मैग्नेशियम ध्यान देंगे एकदम अच्छा से एल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड और जिसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट विक्टर ग्रिगनार्ड के ऑनर के मैं इसका नाम था ग्रिगनार्ड रिएजेंट इसका नाम दिया गया है ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज फॉर्म्ड ध्यान देंगे एकदम समझ समझ के पढ़िएगा समझ समझ के ही समझने से समझ समझ के समझने से ही आपका माइंड एकदम डेवलप होगा आप कितना ही कमजोर क्यों ना हो केमिस्ट्री में आप एकदम जबरदस्त बन जाएंगे आप लगातार विक्रम ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए केमिस्ट्री के हर वीडियो को फॉलो कीजिए और उसके बाद मुझे जहां भी दिक्कत हो फिर से बोल रहा हूं कि कमेंट करके मुझे बताइए हम कर देंगे आपको जीरो से हीरो क्योंकि एक टीचर का काम ही है बच्चे को नीचे से ऊपर उठाना ठीक है तो तुरंत घबराना नहीं है तो क्या हो जाएगा आर एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा एम जी यहाँ पे क्या होगा ड्राई इथर ध्यान देंगे ड्राई इथर और उसके बाद सारा जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आर एम जी एक्स इसी का नाम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट और इसका नाम है एल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड इसका नाम दिया गया एल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड एल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड और इसको कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट और इससे बहुत कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है एक कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है एकदम बोले बहुत इंपॉर्टेंट ये है इसका नाम है आरएमजीएस इससे क्या क्या फॉर्मेशन करेंगे अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं नंबर वन सबसे पहला इसी से जैसे ही बन गया ये रिएक्शन विथ मेटल मेटल वाला काम समझ में आ गया होगा अब इसी का रिएक्शन लेंगे नंबर वन जिसको बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन ध्यान देंगे पहला नाम है ऊर्ज रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वैसे इलेवेंथ में भी इंपॉर्टेंट था ट्वेल्थ में भी इंपॉर्टेंट है तो क्या हो जाएगा यहां पे लिख रहे हैं व्हेन ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक बार लिख देते हैं पूरा व्हेन एल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड इज ट्रीटेड विथ ध्यान देंगे ट्रीटेड विथ ठीक है ट्रीटेड विथ किसके साथ करेंगे किसके साथ सॉरी 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 गलत हो गया क्या ये हमारा यहाँ पे हम लोग ये नहीं लेंगे सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया हम लोग इसका लेंगे इसका पाला लेंगे किसके साथ वाटर के साथ लेंगे ठीक है विथ वाटर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ऊर्ज रिएक्शन अलग है वो हम लोग लेते हैं सोडियम के साथ दूसरा मेटल लेंगे सोडियम के साथ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विथ वाटर तो आर एम जी एक्स ध्यान देंगे आर एम जी एक्स प्लस एच टू ओ ठीक है H2O में क्या रहता है यहाँ पे ध्यान देंगे H प्लस OH माइनस पहले से बता दिए यही प्रोटॉन यहाँ पे जाके जुटेगा फिर ध्यान देंगे तो हो जाएगा RH प्लस जो भी बनेगा उधर वैसे लिख देते हैं MgOHX ध्यान देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाला हो जाएगा क्या बनेगा इसको कहते हैं अल्केन बनेगा इसका बहुत ही बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान देंगे तो जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्ट करेगा क्या बनेगा एल्केन बनेगा दूसरा नंबर ए नंबर हो गया बी नंबर विथ अमोनिया यानी विथ अमोनिया रहेगा या अमोनिया डेरिवेटिव रहेगा यानी हम लोग ले लेते हैं सीधे एमीन ठीक है एमीन ले लेते हैं अमोनिया ले लेते हैं जो भी होगा तो ध्यान देंगे तो एमीन रहेगा या अमोनिया रहेगा आपका क्या बनेगा फिर से बनेगा एल्केन कैसे तो आर एम जी एक्स ध्यान देंगे आर एम जी एक्स प्लस आर डैश एन एस टू देखिए यहाँ पे एन एस टू में एच प्लस छिपा हुआ है यहाँ पे छिपा हुआ है ध्यान देंगे ये छिपा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर एच ध्यान देंगे ये हो जाएगा आर एच तीसरा हो जाएगा विथ विथ किसका तो विथ हमारा हो जाएगा अल्कोहल ठीक है ध्यान देंगे विथ अल्कोहल अल्कोहल के साथ भी आर एम जी एक्स प्लस आर डैश ओ एच यहाँ पे भी देखिए छिपा हुआ है एच एच प्लस यहाँ भी छिपा हुआ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आर एच तो ये तीन खतरनाक इंपॉर्टेंट है ध्यान देंगे ये बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा भी आता है तो आप लोग इधर कमेंट कीजिएगा यहाँ पे हम एग्जांपल हम लोग कह देते हैं CH3 CH2 और MgBr हम ले रहे हैं अब प्लस यहाँ पे आपका ले रहे हैं CH3OH इसका रिएक्शन आप मुझे बताइएगा क्या बनेगा इसका रिएक्शन आप मुझे बना के बताइएगा क्या बनेगा तब हम समझेंगे कि आप बेहतर हैं और बेहतरीन बनने के प्रयास में लगे हुए हैं आइए आज का लास्ट हम लोग लेके चलेंगे जो खतरनाक इंपॉर्टेंट समझ गए हैं कि नहीं समझ गए आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा हम एकदम इजी कर देंगे चलिए हम लोग इजी कर देंगे तो रिएक्शन विद मेटल में पहला मैग्नेशियम हो गया आइए दूसरा हम लोग देखते हैं नंबर टू किसके साथ हो जाएगा विथ सोडियम क्या हो जाएगा विथ सोडियम
सोडियम के साथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही सोडियम के साथ रिएक्शन कहलाता है ऊर्जा रिएक्शन। क्या कहलाता है ये? ऊर्जा रिएक्शन कहलाता है। इसका स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, ट्रीटेड विथ क्या? सोडियम, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर देन क्या बनेगा? एल्केन बनेगा, देन एल्केन इज फॉर्म्ड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्जा रिएक्शन। ध्यान देंगे इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऊर्जा रिएक्शन लिख दीजिएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऊर्जा रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्जा रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, अब प्लस एन ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? ड्राई इथर, ये क्या हो जाएगा? ड्राई इथर। तो क्या बन जाएगा यहां से? देखिए ये प्लस, ये माइनस, तो निकल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा एन ए एक्स, लेकिन आर अकेले नहीं होगा, यहाँ आर सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, तो क्या होगा? एक आर और आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। यानी दो मॉलिक्यूल आर एक्स का लेंगे, दो मॉलिक्यूल, दो एटम जो है सोडियम का लेंगे, और उसके बाद बनाएंगे। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर एक्स, और फिर यहाँ पे आर एक्स और प्लस बीच में एन ए लीजिएगा, और इसको आप अच्छे से दिखा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ? ड्राइथर, तो जाएगा आर आर और प्लस एन ए एक्स, एन ए एक्स यानी टू मॉलिक्यूल है, मतलब इस दोनों का, तो हो जाएगा टू एन ए एक्स। तो उम्मीद है ये आप एग्जाम्पल लेके भी यहाँ बना सकते हैं, सी एच थ्री और यहाँ सी एल, यहाँ पे एन लिखेंगे और ड्राइथर, तो आप क्या बनाएंगे? इसका दो मॉलिक्यूल यानी CH3 और प्लस NaCl आपका बनेगा। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऊर्जा रिएक्शन। और ये इसका बहुत ज्यादा महत्व है, खासकर लोअर एल्केन से हायर एल्केन बनाने में इसका यूज होता है, लोअर एल्केन टू हायर एल्केन बनाने में इसका यूज होता है। जिसके माइंड से उड़ जाता है, इतना हाई दिमाग में नहीं जा पाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम एकदम छोटा से लेकर एकदम छोटा से तोड़ तोड़ करके बड़ा कर देंगे, मस्त बना देंगे आपको, मस्त एकदम मस्त बना के ही छोड़ेंगे आपको केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री कोई टफ नहीं है। फिर से इसको देखिए, व्हेन अल्कलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, इन इथर देन एल्केन इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्जा रिएक्शन। ऊर्जा रिएक्शन का यहाँ पे देखिए, इसको बनाइए आप। इस तरह का जब स्टेटमेंट आएगा, इस तरह स्टेटमेंट बोलेगा दिस रिएक्शन इज, और ऑप्शन रहेगा ऊर्जा रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, आपका गेटरमैन रिएक्शन, कुछ भी चार ऑप्शन रहेगा जिसमें आपका आंसर होगा ऊर्जा रिएक्शन। इस तरह का आपका रहेगा। कभी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन रह सकता है, कभी कभी आपको कन्वर्सन में उसका यूज होगा तो वहां पे भी यूज करेंगे, कभी कभी फिल इन दी ब्लैंक्स में रह सकता है, कभी कभी व्हाट हैपेंस व्हेन में भी रह सकता है, कि व्हाट हैपेंस व्हेन आपका बोल देगा मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर क्या बनेगा? तो बनेगा, देख ही रहे, इथेन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? इथेन बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को एकदम निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ा रहा होगा। आप लोग बस कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा वीडियो आप लोग को चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है, कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। एक बार ठाने कुछ करने का, नहीं रुक जाने का, बहुत बहुत धन्यवाद।